जानते हैं कि जीवन में हम लोग उल्टी धारा पे बहते हैं। अगर सरलता का भाव नहीं होगा जीवन में तो जीवन हम लोग जी नहीं सकते। आज का जीवन जो है वह एक मशीन की तरह बन गया है। आने वाले कुछ सालों में यह जीवन जो है नरक के बराबर हो जाएगा। पहले के जमाने में अगर कोई रिश्तेदार मेहमान आ जाया करता था तो लोग बहुत खुश हुआ करते थे। एक आदमी कमाता था, पूरा घर बैठ के खाता था। लेकिन आज हमारे बनाए हुए जो जाल है उसी में हम लोग उलझ के रह गए हैं। जीवन हम लोग जीते नहीं हैं, जीवन ऐसा हो गया है कि हम लोग गुजार रहे हैं। आत्मा हमारी संतुष्ट नहीं होती। क्या यह सत्य आप लोग जानते हैं कि जितने दिन हम लोग यहां पर कष्ट आत्मा को देते हैं उतना ही कष्ट परलोक में परमात्मा हमें देते हैं। अगर जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो इस जीवन को अपने धरती लोक पर ही स्वर्ग में बदल दें। अब आप लोग पूछेंगे कि स्वर्ग में कैसे प्राप्ति होती है? जितना आपने कमाना है एक लक्ष्य हासिल करें, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप कमाना चाहते हैं, गाड़ी बंगला जो इच्छा है वह संपूर्णतः कमा लीजिए। उसके पश्चात सब मोह माया का जंजाल छोड़ दीजिए और एक ऐसी दुनिया में चले जाइए, एक ऐसा योग अभ्यास कीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि यह भी कोई योग है? जब भूख लगे तब खा लीजिए, जब नींद आए तब सो जाइए, जब आपकी इच्छा हो तब उठिए, जब भूख लगे तब खाना खाइए, जब नींद आए तब सो जाइए, क्या यह भी कोई योग है? तो भाइयों, ये सबसे बड़ा योग है, क्योंकि इंसान जो है एक मशीन की तरह से बनता जा रहा है। आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं, चाहे 1 लाख रुपए की गाड़ी हो या 10 करोड़ की गाड़ी हो, उसे सर्विस स्टेशन पर ले जाया जाता है। हर 3 महीने के बाद में इतनी गाड़ी चल चुकी है। तो जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया है वह नॉन स्टॉप बिना रुके कितने दिन तक काम करेगा? फिर आखिरी में जो लोग इंजन की मेंटेनेंस नहीं कराते तो उनकी गाड़ी का क्या हाल होता है? गाड़ी कुछ दिन पश्चात या तो सड़क पर जाम हो जाती है, कभी ब्रेक फेल हो जाता है। उसी प्रकार से इंसान भी एक गाड़ी ही तो है जिसे मनुष्य ने नहीं परमात्मा ने बनाया। इंसान को सर्विस स्टेशन पर ले जाने की जरूरत है। जितनी आपने गाड़ी चलानी है, चलाने के पश्चात कुछ दिन के लिए उसे सर्विस स्टेशन पर छोड़े, उसके पश्चात जब गाड़ी की रिनोवेशन हो जाएगी, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, गाड़ी में ऑयल आ जाएगा, तो गाड़ी जहां से शुरू हुई थी वहीं से चलनी शुरू हो जाती है।